नमस्ते यूट्यूब प्रोग्रामर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिटी LTS वर्जन और लेटेस्ट वर्जन के बीच डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूनिटी LTS वर्जन और लेटेस्ट वर्जन के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना होगा कि LTS वर्जन यूनिटी का क्या होता है और लेटेस्ट वर्जन क्या होता है। तो जो यूनिटी का LTS वर्जन है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट का मतलब ये है कि जो यूनिटी LTS वर्जन होते हैं वो लंबे समय तक सपोर्टेड होते हैं। तो अगर आप LTS वर्जन का यूज़ करके किसी भी अपने बड़े प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो उन प्रोजेक्ट को बिना अपग्रेड किए हुए नए वर्जन में आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। जो LTS वर्जन होता है यूनिटी का वो स्टेबल वर्जन होता है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन की बात करते हैं तो जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो आपका टेक स्ट्रीम सपोर्ट वर्जन होता है, जो कि एक साल में दो बार रिलीज होता है। और जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उनमें जो अपग्रेड्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू LTS वर्जन ऑफ यूनिटी। दोनों ही वर्जन का यूज़ आप ऐप को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। जो LTS वर्जन है, जो LTS स्ट्रीम है, वो उन यूजर्स के लिए है जो कि बिना किसी चेंजेस के कंटिन्यू अपने गेम, अपने कंटेंट को डेवलप करना चाहते हैं और रेडी हैं उनका कंटेंट गेम मार्केट में लॉन्च करने के लिए। अगर वो एक स्टेबल वर्जन के साथ काम करना चाहते हैं एक स्टैंड पीरियड तक, एक लंबे टाइम तक, तो वो LTS वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। LTS वर्जन उन्हीं यूजर्स के लिए होता है। अगर आप टेक स्ट्रीम और जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी बात करें तो वो उन यूजर्स के लिए होता है जो कि यूनिटी के नए फीचर्स के साथ काम करना चाहते हैं। टाइम टू टाइम यूनिटी में जो भी अपडेट्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहते हैं, अपने एप्लीकेशंस को अप टू डेट अपडेट करना चाहते हैं यूनिटी के नए फीचर्स के साथ, तो वो जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज कर सकते हैं, ये उनके लिए होता है। तो अब LTS वर्जन की फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटीज है जिसके लिए हम LTS वर्जन का यूज करें लेटेस्ट वर्जन के बजाय। और हम बात करेंगे अब कि लेटेस्ट वर्जन का हम क्यों यूज करें ओवर एज कम्पेयर टू LTS वर्जन। हम सारे LTS वर्जन के बारे में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास इस टाइम करंट टाइम में अवेलेबल है LTS वर्जन 2019 उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमने बात की, जो यूनिटी 2019 LTS वर्जन है वो लॉन्ग टर्म सपोर्टेड है, एक स्टेबल वर्जन प्रोवाइड करता है, हाई क्वालिटी फीचर्स हैं उसमें, ये आपको दो साल के लिए सपोर्ट करता है बिना किसी अपग्रेड के। जो उसमें अपडेट की बात आती है तो वो हर वीकली अपडेट होते हैं और एक टाइम के बाद वो मंथली अपडेट होना शुरू हो जाते हैं एंड पीरियड ऑफ LTS वर्जन। तो जैसे कि हमने यहाँ बात की कि जो अपडेट और अपडेट में डिफरेंस ये होता है, जो अपडेट होते हैं वो छोटे छोटे बग्स, छोटे छोटे एरर को फिक्स करके होते हैं, और जो अपग्रेड होता है वो पूरे सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस होते हैं, नए फीचर्स जो ऐड होते हैं, तो अपग्रेड का मतलब ये होता है। जो पीरियड है, जो एक्सटेंडेड सपोर्ट पीरियड है आपका दो साल का, उसमें अपडेट्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं यूनिटी में LTS वर्जन में कौन कौन सी फीचर्स हैं। बहुत अच्छे टूल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें एक नया एडिटर ऐड किया गया है जो कि है UI, यूजर इंटरफेस। इसमें एक रेंडर पाइपलाइन टेक्नोलॉजी भी ऐड की गई है जो कि स्क्रिप्टेबल रेंडर पाइपलाइन है, जिसका यूज़ करके आप एक बेस्ट क्लास ग्राफिक्स के गेम्स बना सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। अगर आप इसकी ग्राफिक्स की बात करते हैं कि जो इसमें ग्राफिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी बेस्ट क्लास है। इसमें यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन भी ऐड किया गया है जिसका यूज़ करके आप हाई एंड ग्राफिक्स और हाई एंड हार्डवेयर लाइक PC कंसोल
और फ्यूचर में जो भी आपके डिवाइसेस आने वाली है उन सबके लिए सपोर्टेबल है, जो कि आपको एक अच्छे ग्राफिक्स के गेम आप इसका यूज करके बना सकते हैं। इसमें एक और चीज है जो है कि HDRP जो हाई डिफिनेशन रेंडर पाइपलाइन है वो भी ऐड है, तो आप आसानी से अपने गेम पर वर्क कर सकते हैं। अगर आप स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं तो उसमें एक आपको IDE सपोर्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के साथ। इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, सच एज जो आपके प्लेयर डी प्रोफाइलिंग है, जो आपके कॉल स्टैक सपोर्ट्स हैं, तो इन सारी चीजों को इम्प्रूव किया गया है। यूनिटी की स्क्रिप्टिंग में एक जो आपके बर्स्ट कंपाइलर होते हैं ये नेटिव डिबगिंग को काफी ज्यादा इम्प्रूव करता है, उसकी यूजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ये आपके स्क्रिप्टिंग को इम्प्रूव करता है, उसके वर्क फ्लो को बढ़ाता है, जो भी उसमें बग्स जो भी उसमें क्रिएशंस होते हैं उसे वो रिड्यूस करता है। अगर हम टूल्स की बात करते हैं तो इसमें एक शेडर ग्राफ है, तो उसका यूज करके आप बहुत ही अच्छा लेवल के VFX गेम्स बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको कोडिंग नहीं आती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। आप बिना कोडिंग के रियल टाइम VFX बेस्ड गेम्स एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपको डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन टूल्स नए फीचर्स के साथ अवेलेबल है। इसमें जो यूनिक हाइब्रिड 3D मॉडल है वो भी ऐड किया गया है। तो अगर हम एडिटर अपडेट्स की बात करें तो इसमें जो यूजर इंटरफेस है वो एक नए लुक के साथ ऐड किया गया है। इसमें बहुत ही ज्यादा अपडेट्स किए गए हैं, इसके आइकन्स, इसके फॉन्ट्स, इसके यूजर फीडबैक सिस्टम, तो इन सभी के साथ इसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपडेट किया गया है। बहुत ही क्लियरली विजिबल है एडिटर में, तो आप पूरे फोकस के साथ उस पे अपने कंटेंट पे काम कर सकते हैं। तो जो आपके एसेट्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो स्पीड है उसे इम्प्रूव किया गया है, कम टाइम में जो बड़े से बड़े जो एसेट्स है उन्हें इम्पोर्ट कर सकते हैं इजली और स्मूथली। अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, अगर आप एक मोबाइल डेवलपर हैं और आप एक एम रखते हैं एक हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एक अच्छे लेवल का गेम बनाने के लिए यूनिटी में, तो आप LTS वर्जन का यूज कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। इस टाइम ये बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि इसमें आप HDRP, URP और SRP इन तीनों रेंडर पाइपलाइन का यूज कर सकते हैं, और ये OpenGL को भी सपोर्ट करता है। तो जैसे हमने बात की, जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं वो नए नए फीचर्स के साथ एवरी 6 मंथ अपडेट अपग्रेड होते रहते हैं, और एक नए वर्जन में उन्हें रिलीज किया जाता है, मार्केट में उन्हें लॉन्च किया जाता है। जैसे आप 2019.3 की बात करें तो इसमें जो नए नए टूल्स नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं उनका यूज करके आप अच्छे लेवल के गेम क्रिएट कर सकते हैं। यूनिटी का जो लेटेस्ट वर्जन रिलीज हुआ उसमें डिफरेंट डिफरेंट नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे आपका जो डॉट्स है और डॉट सैंपल प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूड हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके इंपोर्ट करके उस पर वर्क कर सकते हैं। उसका ग्राफिक्स काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया है, इसमें हाई डिफिनेशन रेंडर पाइपलाइन है उसे ऐड किया गया है, जो उसके विजुअल इफेक्ट ग्राफ है उससे और ज्यादा अच्छा बनाया गया है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए आपका HDRP वर्क कर सकता है, आप उसके HDRP बेस्ड अच्छे ग्राफिक्स अच्छे लेवल के गेम डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल ऐड किए गए हैं, और इसमें एक नया जो इम्प्रूवमेंट किया गया है, जो नया फीचर आया है ग्राफिक्स में, वो एक नए कैरेक्टर का है जो VFX बेस्ड कैरेक्टर है, जो कि हेरेटिक है, जिसके बारे में आपने काफी ज्यादा सुना होगा, काफी ज्यादा देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं हेरेटिक VFX बेस्ड कैरेक्टर के बारे में। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस चार्ट की, तो इसके थ्रू हम क्लियरली समझेंगे कि LTS वर्जन और जो लेटेस्ट वर्जन के बीच डिफरेंस क्या है, और हमें इन दोनों में कौन सा वर्जन कब यूज करना चाहिए। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में 2019.1 ह्यूनिटी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आया था, फिर 2019.2 रिलीज हुआ और फिर 2019.3 रिलीज हुआ इन अ वन ईयर। एक साल में लगातार तीन वर्जन आए यूनिटी के जो कि नए फीचर्स नए अपडेट के साथ रिलीज हुए। 2019 में जो बग्स थे जो एरर्स थे उन्हें फिक्स करके 2019.2 रिलीज किया गया नए फीचर्स के साथ। फिर इसमें जो बग्स आए जो इसमें एरर्स आए सॉल्व करके 2019.3 एज अ रिलीज किया गया न्यू फीचर्स के साथ। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2019 LTS वर्जन, इसका मतलब ये है कि इन तीनों जो लेटेस्ट वर्जन आए थे इन तीनों वर्जन में जो कमियां थी जो एरर थे जो बग्स थे उन्हें फिक्स किया गया उन्हें सॉल्व किया गया। इन तीनों वर्जन के फीचर्स के साथ यूनिटी 2019 LTS वर्जन रिलीज किया गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने बात की थी 2 ईयर्स की LTS वर्जन में वो ये है 2019 LTS वर्जन रिलीज किया गया रिसेंटली 2020 में, जो उसकी एंडिंग डेट है 2022 में, मतलब 2022 में। जैसे कि हमने बात की जो LTS वर्जन है इसमें कोई भी नया फीचर इंक्लूड नहीं होता है इन 2 सालों में। इसमें छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं वीकली एंड एट अ फिक्स टाइम, इसमें फिर मंथली अपडेट्स होने लगते हैं छोटे छोटे जो कि आपके बग्स और आपके बग्स को फिक्स करने के लिए जो आपके एरर्स उन्हें सॉल्व करने के लिए अपडेट किया जाता है। और जो आपके लेटेस्ट वर्जन होते हैं वो साल में 2 बार या 3 बार रिलीज होते हैं। तो 2019 में जो आपके लेटेस्ट वर्जन आए थे 2019.1, 2 एंड 3 ये 3 वर्जन रिलीज किए गए थे, बट 2020 में जो लेटेस्ट वर्जन आया है आपका 2020 का वो 6 मंथ पे रिलीज हुए हैं। तो एट लास्ट मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज आप लेटेस्ट वर्जन यूज कीजिए, यूनिटी के नए नए फीचर्स उसमें जो आ रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस कीजिए, कैसे अपने प्रोजेक्ट में आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, उसका यूज करके आप नए नए अच्छे अच्छे गेम्स एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आप लेटेस्ट वर्जन का यूज कीजिए और LTS वर्जन उनके लिए है जिन्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है गेमिंग का कोडिंग का। तो आप LTS वर्जन का यूज करके एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं जिसे आप एक सर्टेन टाइम के बाद मार्केट में रिलीज कर सकते हैं। तो क्योंकि आप अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और एक टाइम के बाद अगर आप उसे अपग्रेड करते हैं एक नए वर्जन में तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने में और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे एरर्स भी आ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप LTS वर्जन पे यूनिटी के काम कीजिए, और आप अगर छोटे छोटे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं टाइम टू टाइम अपने एप्लीकेशन अपने गेम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जो लेटेस्ट वर्जन है यूनिटी के उन्हें यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यूनिटी पर काम करने से पहले इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना ज़रूरी था। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।